हेलो एवरीवन, दिस इज सनु टिप्टान। और फाइनली आज हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हमारे पास मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। राइट, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के ऊपर भी बेस है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। हमने जियोग्राफिकल बेसिस पे किया था, हमने डेमोग्राफिकल बेस पे किया था, हमने बिहेवियर के बेस पे किया था या नहीं किया था। तो चलो तो थोड़ा सा पिछला लेक्चर भी रिवाइज कर लेते हैं और देन इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करते हैं। देखो, मार्केट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक तरफ क्या होता है, बायर होता है, अब एक तरफ क्या होता है, सेलर होता है। राइट, ये मान लीजिए ये आपका सेलर है, ठीक है, और ये आपका बायर है। बायर को अपनी वॉन्ट्स को कंप्लीट करना है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। सेलर को क्या करना है, सामान बेचना है। राइट, तो दोनों एक ऐसे प्लेस पर आएंगे जहाँ पर दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रही होगी, फुलफिल हो रही होगी। राइट राइट, सो ऐसे प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। राइट, अच्छा, अब बात की जा रही है कि अब मेरे पास ये पूरी बड़ी मार्केट है, जब इस पूरी बड़ी मार्केट को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, किस चीज़ किस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट ऑफ द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जब मैं इस पूरी बड़ी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मीन्स कि इनका एक ग्रुप बना दूँ इनकी सिमिलरिटी के बेस पे, तो उसे बात की जाती है केवल और केवल सेगमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर अभी केवल बायफर्गेट हुआ है, ठीक है, कि पूरी बड़ी मार्केट को हमने बायफर्गेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जो मिस्टर एक्स है वो कह रहे हैं कि पापा मैं बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, आपने कहा बिजनेस करना चाहते हो, हम ये बताओ किस चीज़ का करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि पापा मैं गारमेंट्स का करना चाहता हूँ। कहते ठीक है, गारमेंट्स में किस चीज़ का करना चाहते हो। कहते पापा गारमेंट्स का करना चाहता हूँ। फिर उनके पापा ने कहा बेटा ये मार्केट इतनी बड़ी है, ठीक है, हमारी आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बिलोंग बायफर्गेटेड है। जैसे कि मैं कहूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर ठीक है अप टू 5 ईयर तक, ठीक है, और 5 ईयर से लेकर 13 ईयर तक, 13 ईयर से लेकर 18 ईयर तक, 18 ईयर से लेकर 25 तक, 25 तक, मैं इस तरीके से एज के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, मार्केट को देख रही हूँ, ठीक है, गारमेंट्स को मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है, और 40 तक कर लेते हैं, 40 अबोव कर लेते हैं। सो आप किस कैटेगरी को, ये तो मैंने क्या किया कि ये तो पूरा गारमेंट्स था, गारमेंट्स को मैंने क्या किया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये न्यू बॉर्न बेबी है, ये क्या है 5 to 13 है, ये 13 to 18 है, ये क्या है 18 to 25 है, ये मैंने पूरा बायफर्गेट कर दिया। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इस पूरे गारमेंट्स के सेक्टर को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहला क्या है कि जो कि केवल बच्चों के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है, ठीक है, फिर आ जाता है अडल्ट के लिए, फिर आ जाता है यंग पर्सन के लिए, फिर आ जाता है ओल्ड पर्सन के लिए। कहने का मतलब मैं इस सेगमेंट को, मैं पूरी मार्केट को किसी ना किसी बेसिस पे क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। या तो मैं उसकी एज के बेसिस पे कर देती हूँ, या फिर मैं उसको जेंडर के बेस पे कर देती हूँ, मेल है फीमेल है, या फिर मैं उसकी कैटेगरी वाइज कर देती हूँ उनके अंदर भी, कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बीच कैटेगरी के हैं, टीनेजर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, यंग पर्सन है जो कि 18 से 25, 25 से 30 साल की उम्र में आते हैं, फिर उसके उससे अबोव जो है 30 से ज़्यादा है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी डिवाइज के मैंने। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इस पूरे डिपार्टमेंट को मैं इनकम के बेस पे कर दूँ, या तो बिल्कुल हाई क्लास है, यहाँ पे मॉडरेट है, यहाँ बिल्कुल लो क्लास है, कि आप अपनी मार्केट को जब क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। क्यों करते हो, क्योंकि पूरी मार्केट को समझना एक कॉम्प्लेक्स वर्क है, इस कॉम्प्लेक्स वर्क को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना वो तभी होगा जब इनके आप क्या बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे। राइट, समझ में आया। कहते पापा ये बात तो समझ में आ गई कि गारमेंट्स को हम सेगमेंट किया जा सकता है, मीन्स गारमेंट्स के डिपार्टमेंट को बांटा जा सकता है हमारी एज के फैक्टर पे, हमारे क्या है इनकम के फैक्टर पे। ऑब्वियस ही बात है, जो इनकम ज़्यादा जिसकी होगी वो ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करता है नहीं करता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता है। अच्छा, दूसरा हम कर सकते हैं हमारे जेंडर के बेसिस पे। तो अब ये बताओ कि तुम कौन से कैटेगरी के पर्सन को टारगेट करने वाले हो, अब ये बताओ कौन से
तरह के प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करने वाले हो? कहते सबसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यही था, सोच के बताता हूँ। फाइनली 3-4 दिन के बाद सोच के बताया कि पापा मैं क्या करने वाला हूँ, यंग एज पर्सन को क्या करने वाला हूँ, टारगेट करने वाला हूँ। अब इसने देखो इस पूरी मार्केट में से केवल इस पोर्शन को उठाया, इसे हम कहेंगे टारगेट करना। ठीक है, सेगमेंट का मतलब क्या था कि पूरी मार्केट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट्स इतना ही था। ठीक है, और पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज अ कल्चर के बेस पे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं उसके डेमोग्राफिकल इफेक्ट से कर सकते हैं, मीन्स की जो भी पर्सन में करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एज हो गया, उसका जेंडर हो गया, ठीक है, उसकी इनकम हो गई है, उसकी पर्सनैलिटी हो गई है, ये बिहेवियर में आ जाएंगे। ठीक है, और इन सभी बेसिस पे हमने क्या किया था, पूरी मार्केट को डिवाइड किया था। अब इस पूरी मार्केट में से मैंने केवल एक के ऊपर फोकस किया है, उसे मैं कहूँगी टारगेट। दैट मीन्स ये मेरी टारगेट मार्केट है, इसके जितने भी ऑडियंस होने वाले हैं उनकी मैं हर एक की नीड को फुलफिल करने वाली हूँ, दैट्स नोन एज अ टारगेट मार्केटिंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं, देखो बड़ो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि जो टारगेटिंग और जो सेगमेंटेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है इस इमेज से? टारगेटिंग क्या होता है, जब मैं केवल एक ही के ऊपर फोकस करूँ। अब देखो ये पूरा ग्रुप था, इस ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसे मैं क्या कहूँगी, ये मेरा सेगमेंटेशन है और मैं केवल एक के ऊपर फोकस करूँ, मेरा सिलेक्शन पॉइंट क्या है, एक है, तो ये मेरे क्या हो जाएगी, टारगेट मार्केटिंग हो जाएगी। सो ठीक है, तो यहाँ पर देखो टारगेट मार्केटिंग के बारे में क्या क्या गया है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं मोस्ट प्रॉमिसिंग कस्टमर ग्रुप और द मार्केट सेगमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के लिए सेल करने के लिए हम कौन से ग्रुप को सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे कौन से कस्टमर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस सिलेक्शन को क्या कहेंगे हम, हमने उस पर्टिकुलर मार्केट को क्या कर लिया है, टारगेट कर लिया कि मैं केवल इस को देखूंगा, मैं बाकी को नहीं देखूंगा। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं केवल मैन वियर के ऊपर ही फोकस करूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है अदर नहीं होंगे, मीन्स की फीमेल स्टाफ नहीं इसके अंदर होगी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पर आ जाइए कि जैसे कि अगर बात की जाए स्पोर्ट्स शूज के रिगार्डिंग, नॉर्मल शूज भी होते हैं, फॉर्मल शूज भी होते हैं, है ना। कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने केवल एथलेटिक्स के ऊपर क्या किया है, फोकस किया है। ठीक है, जो क्या करते हैं, दौड़ते हैं या फिर मैं कहूँगी स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए स्पेसिफिक क्या किए गए हैं, शूज बनाए गए हैं। राइट, समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके करने का मेन मोटिव क्या होता है? अब मुझे ये पता है कि मेरा जो टारगेट कस्टमर कौन है, मैन है। ठीक है, मैन के ऊपर मेरे को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गई, इसके रिगार्डिंग सारी की सारी वैरायटी मेरे पास होगी। सो ऑब्वियस है, जो मेरे पास पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, तो 3 लाख रुपए को मैं मैन के जो गारमेंट्स होते हैं उनको अरेंज करने में लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी? राइट, या फिर मैं सबके ऊपर लगाऊंगी? नहीं। अब मुझे पता है कि मेरी स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर कौन है, सो ऑब्वियस ही बात है मैं उन पैसे को उसी पर्टिकुलर एरिया में लगाऊंगी जो कि मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके देगा। राइट, अब पैसे लगाने से पहले मुझे उन पर्टिकुलर टारगेट को समझना भी तो होगा ना। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो स्पेसिफिक होने के कारण काफ़ी सारे रीज़न हैं कि हमें बेनिफिट होता है। पहली बात, हमें अपने इतने सारे ग्रुप में से केवल और केवल मुझे इसको फोकस करना है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा टाइम कम लगेगा। ठीक है, मेरी कॉस्ट कम आएगी। राइट, और मेरा पैसा जितना भी होगा केवल इसी एक्टिविटी के लिए लगेगा, जिसके कारण मेरी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने के साथ साथ मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। राइट, मार्केट में अभी ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये जो गारमेंट्स खरीदना है, मैन का खरीदना है, सबसे बढ़िया कलेक्शन भाई ये XYZ कलेक्शन है, यहाँ पर आपको हर वैरायटी मिलेगी मैन के रिगार्डिंग। इसी तरह से वीमेन के रिगार्डिंग होती है कि आपको अगर जो फीमेल स्टाफ से रिगार्डिंग ड्रेसेस लेनी है, तो यहाँ पर ये कि ABC लिमिटेड है, यहाँ से कोई भी सामान ले लीजिए वीमेन से रिगार्डिंग, आपको सब कुछ मिलेगा। सो क्या है, आप अपनी मार्केट में एक इमेज भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, कंपटीटर से बेटर पोजीशन पे आ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे एडवांटेज होने वाले हैं कि आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूज़ कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी फोकस करती है अपने एफर्ट्स को और अपने रिसोर्सेज को केवल और केवल एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर। ठीक है, वेस्टेज में पैसा नहीं इन्वेस्ट करती, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी जो सेल है वो ऑटोमेटेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर सेल हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है बेटे आपका प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा। सो सिंपल। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर जो नीड्स है।
कंज्यूमर की नीड को समझना, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास इतने सारे ग्रुप में से मैंने केवल इस वाले ग्रुप के ऊपर फोकस किया तो ऑब्वियस है कि मेरा सारा समय इसके ऊपर लगने वाला है। मैं सोचने वाली हूँ कि हाँ किस किस, अब मैंने कहा कि मैंने क्या किया है, जो मेल स्टाफ के ऊपर फोकस किया है, जो मेल स्टाफ है उनकी, अब मैं क्या देखूंगी उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी इनकम स्टेटस क्या है, उनका उनका एज फैक्टर क्या है, राइट राइट। तो मेरा केवल फोकस इनके ऊपर रहने वाला है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि जो प्रोफेशनल है वो ज़्यादा फॉर्मल को यूज़ करते हैं, फॉर्मल पैंट हो गए, फॉर्मल शर्ट हो गए, फॉर्मल शूज हो गए। अच्छा, जो बच्चे हैं, ठीक है, बॉयज हैं, अडल्ट हैं, ठीक है, जो कॉलेज के अंदर फिलहाल जाते हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है फॉर्मल तो ड्रेस यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, जीन्स भी करेंगे, कुर्ता भी होगा, शर्ट भी होगी, प्रिंटेड भी होगी, बॉक्सेस वाली भी होगी, समझ पा रहे हो। तो मैं इसकी इनकी वैरायटी को स्टडी किया, कस्टमर की नीड को समझा, टाइम टू टाइम अपने आप को चेंजेस किए जा रहे हैं। तो अगर आप कस्टमर की नीड को समझेंगे, उनकी प्रेफरेंस को समझेंगे, उनके बाइंग बिहेवियर को समझेंगे, सो ऑब्वियस है आपकी सेल इंक्रीज होगी, सेल के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, राइट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर फोकस करें। अब आपको पता है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रूट्स भी बेच रहा है, वो वेजिटेबल भी सेल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो भी कर रहा है सेल, ठीक है, और जो करियाना की दुकान पे जो होता है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि अपने किचन का सामान जो होता है, रसोई का जो सामान होता है, जैसे दाल चावल चीनी, उसने वो भी रखी हुई है, मीन्स कि उसने सभी की सभी चीज़ें रखी हुई हैं। और एक दुकान ऐसी है जो केवल और केवल किसके ऊपर फोकस कर रही है, और केवल केवल उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक ही मिलेगी, चाहे किसी भी वैरायटी की हो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इन केस मैं कहूँ कि मुझे एप्पल फिज लेनी है, ठीक है, या मैं कहूँ कि मुझे कोका कोला लेनी है, या मैं कहूँ कि मुझे पेप्सी लेनी है, आपको जितनी वैरायटी आपके दिमाग में आ रही है ना, वो सारी वैरायटी शॉप पे मिलेंगी। अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ, क्या इसके पास वैरायटी मिलेगी? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पहली बात तो ये नंबर ऑफ एक्टिविटी में डील करते हैं, जिसके कारण वो सभी कस्टमर को स्टडी करने में इनकैपेबल है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जब इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अपने टाइम देता है, या फिर मैं कहूँगी अपना बिजनेस शुरू करता है, सो ऑब्वियस है वो सभी की जितनी भी वैरायटी होती है वो अवेलेबल नहीं करवा सकता। पर यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा, ये जैसे मान लीजिए कोका कोला है, ये पेप्सी है, ये मरिंडा है, ठीक है, ये लिमका है, ठीक है, ये स्प्राइट है, और एप्पल फिज है, ठीक है, मेरे माइंड में अभी इतनी आ रही है, जैसे स्ट्रिंग है, तो ये सारी की सारी वैरायटीज को मिल जाएगी, यहाँ पर मिलेगी, छोटे साइज में मिलेगी, बड़े साइज में मिलेगी, और बहुत जो लार्ज साइज है उसमें मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं, अगर मार्केट में कहीं और नहीं मिल रही, आप ये कहेंगे कि जाओ उस दुकान पे, पक्का मिलेगी, जो सामान लेना है मिल जाएगा। होता है, होता है, नहीं होता, जैसे सुपर मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। अगर मैं कर रही हूँ फोकस केवल स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट के ऊपर, तो बिजनेस को हेल्प होती है अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने में, कि भाई मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें है, जितने भी कस्टमर आएंगे वो सॉफ्ट ड्रिंक के ही मेरे पास आएंगे, राइट। सो जो भी अदर, अब मैंने कहा कि इसके पास कम विजिट करेंगे, ये कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक का डिपार्टमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक की जो वैरायटीज के पास कम है, सो ऑब्वियस ही बात है इसके कस्टमर भी अब क्या चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो आप अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं कहाँ से, बाय द ऑफरिंग सॉल्यूशंस दैट आर मोर रेलिवेंट टू दैट ऑडियंस, सेटिंग देम अपार्ट फ्रॉम द कंपटीटर हु मे टारगेट द जनरल मार्केट। जो आप जनरल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास स्पेसिफिकेशन है, सो ऑब्वियस ही बात है स्पेसिफाई वाला पर्सन क्या होता है, ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। जैसे मैं अगर बताऊँ ना, बीकॉम के अंदर अगर बीकॉम जनरल कर रहे हो तो उसको सेकेंड प्रेफरेंस दी जाती है एज ए सिलेक्शन में। अगर आप बीकॉम ऑनर्स से आपने किया है सो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफाई होते हैं, राइट राइट। एबिलिटी एंड ग्रोथ का मतलब तो बता ही दिया मैंने, कि अगर आप अपने कस्टमर को पढ़ने में, अगर आप अपने कस्टमर को समझने में कैपेबल है, सो ऑब्वियस है कि आपकी ग्रोथ तो होगी ही होगी, कंपनी इतने रीच लेवल पर पहुंच जाएगी कि वो अपने हर एक कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के यहाँ पे कस्टमर आ जाए, ये इनकी डिमांड को फुलफिल करेगा ही करेगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ द मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटेजी।
इनको हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम के अंदर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजिंग आपके नॉर्मली तीन टाइप से बात की गई है। वैसे आपके सिलेबस में तीन टाइप्स की है, बट मैं आपको एक्चुअली बताऊँ ये बहुत ज़्यादा टाइप की है, ठीक है, कम से कम 5 से 7 टाइप की है। हम तीन ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये तो डिस्कस कर लिया डिफरेंटियल मार्केटिंग, जिसे हमने कहा टारगेट सेगमेंटेड मार्केट, जिसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्रिएट करते हैं, क्रिएट द सेपरेट मार्केटिंग ऑफरिंग फॉर द ईच। आपने क्या किया, सबसे पहले सेगमेंट बनाया, उसमें से किसी एक के ऊपर फोकस किया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, एक होती है हमारे पास अनडिफरेंशियल मार्केट। अनडिफरेंशियल मार्केट का मतलब क्या है कि आपके पास बेटे एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने सारी की सारी मार्केट कोई ग्रुप नहीं किया, ये कहते हैं कि जो मेरे पास है वो तुम्हें बेच दूंगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक टॉपिक क्या था अगर आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो, कि प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या डिस्कस किया था कि मास प्रोडक्शन करो, मास प्रोडक्शन करो। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ वैरायटी नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, जिसके कारण उसकी जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो क्या होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई। अच्छा, पर यूनिट डिक्रीज हुई तो ऑब्वियसली बात है जो उसका प्राइस है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो भी कम हुआ होगा, और प्राइस कम है और मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सो ऑब्वियसली बात है जितने भी कस्टमर होंगे उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साल्ट, अगर मैं पूछूं नमक में आपको कितनी वैरायटी पता है, सबसे ज़्यादा 2, 3, 4, ये नंबर ऑफ है, नहीं ना। अब मैंने सॉफ्ट ड्रिंक में भी कम से कम 8 से 10 गिनवा दिए। अगर मैं कार की बात की जाए तो वो भी अलग अलग है, समझ पा रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में अप्लीकेबल है, शुगर है, जैसे चीनी है, एक है पूरी मार्केट में, एक है, तो यहाँ पे ग्रुप नहीं डिवाइड किया गया, जैसे कॉलगेट है, राइट, समझ पा रहे हैं। चॉकलेट है, जैसे चॉकलेट में तो वैरायटी है, बट आपको नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आपके पास एक प्रोडक्ट है, पूरी मार्केट को उसने होल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ट्रीट द एंटायर मार्केट एज अ वन, पूरे मार्केट को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक के तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी जो पोजिशनिंग होने वाली है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होने वाली है, उसका प्रोडक्शन होने वाला है, वो एक ही होने वाला है, वो ज़्यादा लेवल वैरायटी नहीं दिखाएगा कि यहाँ ऐसे है वो ऐसे है, समझ पा रहे हो। तो सेम प्रोडक्ट है, सेम सर्विसेज है, सभी कस्टमर के लिए, बेस्ट फॉर द प्रोडक्ट दैट अपील टू द ब्रांड रेंज, बोर्ड रेंज ऑफ द पीपल विद अ सिमिलर नीड। सबकी ऑब्वियसली बात है, साल्ट सभी खाते हैं, ठीक है, वो तो ये तो है नहीं कि हम आज मन नहीं करें इसको नहीं खाते, आप डेली रूटीन में थोड़ा थोड़े थोड़ी थोड़ी अमाउंट में साल्ट खाते हैं, नहीं खाते हैं, राइट। तो इस सिमिलर नीड को आपने क्या किया है, बड़े लेवल पर उसको एक्सपेंड किया। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज यही है मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप लार्ज एरिया पे पहुंच सकते हैं, है ना, एक तरह का प्रोडक्ट है, आप लार्ज एरिया पे पहुंच सकते हैं, आपको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि बेसिक नीड है, मुझे क्या करना है, इसको जस्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे चीनी हो गई है, नमक हो गया है, ये नॉर्मल बेसिक नीड है, डेली बेसिस की है, और कस्टमर इसको खरीदता भी खरीदते हैं, और अब देखो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, फिर कम होगी, तो यहाँ पर लो कॉस्ट होती है, सिंपलियर मैनेजमेंट की प्रोसेस होगी, मीन्स कि इसको मैनेज करना इतना डिफिकल्ट काम नहीं होने वाला कि हाँ ये भी मैनेज करना है वो भी मैनेज करना है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि कैसे होती है, ठीक है, समझ पाया। तो इसके अब ऑब्वियस है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी। अब देखो ये लो कॉस्ट है, बहुत अच्छी बात है, जो सिंपलियर जो हमें क्या करनी पड़ती है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सो ऑब्वियस ही बात है आप क्या कर रहे हो, अपने मार्केट के अंदर वैराइटीज नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर के साथ आप क्या कर रहे हो, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर रहे हो, और दूसरा यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों, अब आप एक ही प्रोडक्ट है उसमें वैरायटी नहीं दे रहे हो, जैसे मैं अगर बात करूँ कोका कोला ने अब देखो जो सॉफ्ट ड्रिंक आई थी ना कि विदाउट शुगर,
राइट। पता है आपको कोका कोला की विदाउट शुगर वाली भी जो ड्रिंक है वो आ चुकी है। अब मार्केट में देखा लोग क्या हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, अपनी फिटनेस की ओर या फिर मैं कहूँ कि अपनी हेल्थ की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कोका कोला ने क्या किया, क्या किया, अपने ऐसे कस्टमर को भी फोकस कर दिया जो कि हेल्थ कॉन्शियस है और जो शुगर फ्री क्या करना चाह रहे हैं, ड्रिंक लेना चाह रहे हैं, तो जो शुगर फ्री ड्रिंक है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने कहा कि मैंने शुगर फ्री के ऊपर फोकस किया है या मैं कहूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर कस्टमर को फोकस किया है, वो आ जाएगा आपका डिफरेंशियल मार्केट में। अगर मैं कह लूँ कि पूरे होल को मैंने डिस्कस किया है, वो आ जाएगा अंडर डिफरेंशियल मार्केट में। इसकी कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एक है। अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशियल है तो ये मैंने हो गया, ये डिफरेंशियल पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास कंसंट्रेटेड मार्केट। कंसंट्रेटेड मार्केट का मतलब पता है क्या है, कि जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हो। मैम स्पेसिफिक तो हम टारगेट में भी करते हैं। सुनो सुनो, अगर मैं कहूँ कि आपको टूथपेस्ट लेनी है, ठीक है, पेस्ट लेनी है, तो आपको दिमाग में क्या आएगा, कॉलगेट, नॉर्मल कॉलगेट आता है। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप क्या कहते हैं कि कॉलगेट दे दो सर, है ना, कॉलगेट दे दो अंकल जी, कॉलगेट दे दो भैया, भाई कॉलगेट कंपनी है ना। अब मैंने कहा कि मेरे को दांतों में प्रॉब्लम है, सेंसिटिवनेस है, ठीक है, मेरे को झंझनाहट महसूस होती है। आपने अगर न्यूज़ देखी हो कि अगर आप झंझनाहट से परेशान हैं, ठीक है, आपको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, परेशान है, तो केवल एक सोल्यूशन दिया है, वो क्या है, सेंसोडाइन। समझ पा रहे हो, मींस की टूथपेस्ट ही है ये, बट इसने अपने कस्टमर को क्या फोकस किया कि जिसको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी से अगर प्रोडक्शन करनी है तो आपको सेंसोडाइन को यूज करना होगा। तो इसके टारगेट कस्टमर कौन है पता है, इवन मैं कहूँ कि जो स्पेसिफिक कस्टमर है, कि जिनको जिनको टूथ में प्रॉब्लम होगी, जिनको जिनको क्या है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी, वो इसको यूज करेंगे, अदरवाइज कोई यूज नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब जब मैं अब इतने बड़े में से मैंने टारगेट पढ़ा, अब इसमें से भी मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा पार्ट ले लिया, मैंने केवल इसी के ऊपर फोकस किया है, बिल्कुल मेरा स्मॉल सेगमेंट है, राइट, केवल फोकस किया है वन स्पेसिफिक के ऊपर, क्या कि जिसको भी दांतों में प्रॉब्लम है वो इस टूथपेस्ट को यूज करो। ठीक है, जिसकी जो स्किन है वो क्या हो रही है, धूप से ज्यादा इरिटेट हो जाती है, तो उसे सनक्रीम यूज करनी चाहिए। जिसको भी क्या है, समझ पा रहे हैं, जिसको छाइयों की प्रॉब्लम होती है, जिसकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तो सभी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, राइट, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बिल्कुल छोटी मार्केट होती है, और इस मार्केट को हम निश मार्केट भी कहते हैं, कि जो कि कंसंट्रेट करती है ओनली ऑन वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा फायदा क्या होगा इसका, फायदा ये होगा, अब मुझे केवल उसी को स्टडी करना है जिसके दांतों में प्रॉब्लम है, राइट। अब पता है, अब पल्स में पता है क्या आ रही है, कि नेचुरल ऐसे ग्रीन टाइप में भी पत्तियां आती है इसके ऊपर चुप के, वो नेचुरल टाइप में दिखाई देती है। तो कहने का मतलब कि यहां पर आप अपने कस्टमर की इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो, आपको उस ब्रांड के रिगार्डिंग, आपको उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग खुद को नॉलेज इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और केवल वही पर्सन इसको खरीदेंगे जो कि जिस चीज को प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड लॉयलिटी है यहाँ पर, है या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, जैसे कि एप्पल ने अब देखो हर साल वो क्या कर रहा है, एक नया आईफोन लॉन्च कर रहा है। लास्ट ईयर उसने 15 प्रो और 15 किया था, अब क्या किया, 16 और 16 प्रो किया है। हर साल वो कहीं ना कहीं इनोवेट करता आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फिक्स है, कि वो केवल रिच फैमिली को, रिच बैकग्राउंड वाले पर्सन को, पर्सनैलिटी स्टेटस को मेंटेन करने वाले लोगों को क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, बाकी को फोकस नहीं कर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वो जो कस्टमर है उस ब्रांड के क्या हो गए, लॉयल कस्टमर हो गए। लॉयल कस्टमर दैट मीन्स फोन लेंगे तो एप्पल का ही लेंगे, समझ पा रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, अब मैंने कहा कि इतने बड़े डिपार्टमेंट, इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, राइट, ज़्यादा पीपल चाहिए, ज़्यादा स्टाफ चाहिए, इसको संभालने में, इसके कंपैरिजन में हमें कम चाहिए, राइट। अच्छा, इसको संभालने के लिए ऑब्वियस है इससे भी ज़्यादा कम चाहिए,
तो कॉस्ट और भी इफेक्टिव होगी। ठीक है, रिस्क क्या होने वाला है कि आपकी जो पहुंच है ना वो लिमिटेड मार्केट है। क्यों? क्योंकि आपने केवल एक के ऊपर फोकस किया, राइट। आपकी जो रिस्क है वो इस वजह से भी क्रिएट हो सकता है कि कंपनी, दूसरी कंपनी है जो कंपटीटर है लार्ज नंबर में, जो मार्केट में एग्जिस्ट है, वो इजीली एंटर कर सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर फोकस के ऊपर। मीन्स कि दूसरी कंपनी, दूसरे कंपटीटर है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं कोई नया सोल्यूशन लेके। सो दैट्स अ रीजन, ये छोटा सा रिस्क है। अदरवाइज स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और ज़्यादा बेनिफिटेड भी होते हैं। ठीक है, आई होप ये पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है, पता है क्या होता है, जो आप लोकल लेवल पे अपने प्रॉपर इलाके में ही करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके नमकीन वाले जो अंकल होते हैं, या फिर मैं कहूँगी फैक्ट्री होती है स्पेसिफिक आपके जो एरिया में नमकीन डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे पापड़ हो गया, राइट। उसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं होती, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग भी नहीं होती, सिंपल एक पैकेजिंग होती है वाइट कलर की, जिसके ऊपर क्या होता है, उस पर्टिकुलर लोकल मार्केट के जो सप्लायर हैं, लोकल मार्केट के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हीं का नाम लिखा होता है। ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट नहीं होता। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, पेठे की मिठाई जो होती है ना, वो पैकेट में पैक होकर आती है। कभी नोट करना, कभी नोट करना, जैसे हमारे यहाँ पर है जो, वो केवल ग्रीन कलर की पैकेट में देता है और यहाँ उसमें केवल एक रेट लिखा होता है और अपनी कंपनी का नाम लिखा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिविजुअल तो है, बट कैसे कस्टमर है, लोकल कस्टमर है। ठीक है, इसके आप अपने, जैसे कि मैं कहूँ कि बार्बर की शॉप हो गई है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर की शॉप हो गई है, ये अपने अपने एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में ही फोकस करते हैं। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि उसकी एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज, उसके एग्जांपल, उसका डिस्क्रिप्शन, कौन किसके ऊपर करता है, आप इसको रीड आउट करना। अब बात कर लेते हैं पोजिशनिंग की। पोजिशनिंग का मतलब क्या है कि जो कस्टमर है बेटा, ध्यान से सुना, जो कस्टमर है उस कस्टमर के माइंड में किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूँ कि आपको पानी पीना है, तो पानी पीना है तो आपके माइंड में सबसे पहले, अगर आप बस स्टैंड पे हैं, तो आप क्या कहेंगे, पानी की बोतल ले लो, बिस्लरी आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। तो बिस्लरी ने क्या किया हुआ है, एक इमेज क्रिएट किया हुआ है। जब भी पर्सन पानी की रिगार्डिंग बात करेगा तो पानी के नाम लेते हुए उसके दिमाग में क्या आएगा, बिस्लरी आएगा। मैंने कहा कि पतंजलि, पतंजलि सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, दैट मीन्स डेरी मिल्क। तो कहने का मतलब, हर एक कंपनी ने अपने कस्टमर के माइंड में अपने ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक इमेज सेट की हुई है कि इमेज के हिसाब से वो क्या कर सकता है, अब उस प्रोडक्ट को इजिली रिकॉल कर सकता है। अगर मैं कहूँ टूथपेस्ट के अंदर कोलगेट ने सबसे ज़्यादा अपने पाँव पसारे हुए हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि नाम ही ऐसा रख दिया। सबसे पहले ना कोलगेट ही चलती थी, अभी आई इतने तरह की वैरायटी कि क्लोजअप है, ठीक है, फ्रेशनेस है, वाइटनेस है, ठीक है, ये अभी आई है, मतलब कि अभी अभी आज नहीं, मतलब तीन काफ़ी साल हो गए हैं, बट जो सबसे पुरानी थी वो क्या थी, कोलगेट थी। अब उसने अपनी मार्केट में इमेज क्रिएट कर रखी। अगर आपको पता है, आपके पापा दादाजी को बोल दिया जाए कि आपको पेस्ट लेके आनी है, तो वो पेस्ट जाकर पता है क्या कहेंगे, टूथपेस्ट नहीं कहेंगे कि टूथपेस्ट दे दो, वो कहेंगे कोलगेट दे दो। कभी नोट करना। तो पोजिशनिंग का मतलब क्या है कि आपके कस्टमर के माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या इमेज है विद रिस्पेक्ट टू योर कंपटीटर। अब देखो, चॉकलेट का कंपटीटर कौन है, स्टार प्लस है, ठीक है, स्टार प्लस नहीं है, बार्बन है, ठीक है, जैसे किटकैट हो गई है, ठीक है, काफ़ी सारी चॉकलेट्स होती है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रही है, ठीक है। बट जब मैंने कहा कि कुछ मीठा हो जाए फेस्टिवल पे, रक्षाबंधन पे, दिवाली पर, आप देखो कितनी ऐड आई हुई है, राइट। गिफ्ट देना है तो डेरी मिल्क का ये जो बॉक्स आता है बहुत बड़ा, तो उसको गिफ्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको समर वेकेशंस की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोका कोला आप यूज़ करते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, मार्केट में ट्रेंड है कोका कोला का, कि अगर आप नॉर्मल पार्टी भी करते हैं ना, सबसे ज़्यादा आप देखना रेस्टोरेंट में कोका कोला मिलेगी आपको। रीज़न क्यों है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में इस तरीके की इमेज कर रखी है क्रिएट, कि जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण अब देखो कंपटीटर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है, नहीं कर रही है। कस्टमर की रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी है कि जब ये बोल रहा है कुछ मीठा हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज़्यादा जो मार्केट में कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके रिगार्डिंग आप मार्केट में
आपके दिमाग में इमेज बन रही है। अगर मैंने कहा कि लगातार मैं 3 महीने एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो मेरे प्रोडक्ट को कौन नहीं जानेगा, सब जानेंगे। अगर मैंने कहा कि पूरे 1 साल तक मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट की ही नहीं तो क्या जानेंगे? नहीं जानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है लक्स की जो साबुन है, डव की है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि सिंथोल को जानते हो कोई? बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि सिंथोल की जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत कम आती है, राइट। तो समझ पा रहे हो कि मार्केट में अपने आप अपने प्रोडक्ट के पाँव को कहते हैं फैलाना, अपने आप को मार्केटर कंपिटिटर से अलग दिखाना, पोजिशनिंग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। तो पोजिशनिंग कुछ नहीं है, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक इमेज क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसमें एक नया पॉइंट यही था, बाकी सारे पॉइंट आपके सेम एज इट इज। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिशनिंग। पोजिशनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अब देखो मुझे ये पता है। अब देखो जो डायरी मेल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां पर जो उसकी ऑडियंस है ना, क्लियर है कि अगर ये बोल रहे हैं कुछ मीठा हो जाए, कोई फेस्टिवल हो गया, किसी को गिफ्ट देना है, तो आप क्या करते हो? डेयरी मिल्क खरीदते हो। और आप देखेंगे दुकानदार के पास जो उनका ये जो शेल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा शेल में डेयरी मिल्क की वैरायटी मिलेगी, पता है आपको, चाहे डेयरी मिल्क की कोई भी चॉकलेट हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शंस के बारे में बात की जा रही है, एक डिफरेंट है कस्टमर से, अपने आप को डिफरेंट कर रही है। कंसिस्टेंट जो मैसेज है वो आपको देना पड़ता है पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो प्लेटफॉर्म आपका एडवर्टाइजमेंट है, चाहे आपका पर्सनल सेलिंग है, चाहे आपका फेस टू फेस है, या फिर मैं कहूँ कि आप पैम्पलेट लगा रहे हो, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप क्या कर रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, कहीं ना कहीं उनसे क्या हो रही है, एक इमेज क्रिएट होती है, राइट। कस्टमर के रिगार्डिंग आपको ज्ञान मिलता है कि हाँ कस्टमर की नीड, कस्टमर का बिहेवियर क्या है। पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम जब स्कूल ज्वाइन किया था, उस स्कूल के अंदर जो बच्चों के बैग में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स मिली थी, और अगर मैं बात करूँ चिप्स के रिगार्डिंग, तो ग्रीन वाला जो पैकेट होता है ना, ठीक है, नॉर्मल जो पैकेट होता है वो मिला था। तो यहाँ पर देख पा रहे जो सबसे ज़्यादा डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिली थी, जब हमारे पास क्या है, हेल्दी एंड सेफ्टी का जो रूल अप्लाई हुआ था कि थोड़ा सा जो जंक फूड है उसको कम यूज़ करना है, ठीक है, अपने नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड्स हैं, ठीक है, घर का खाना जैसे हम ये कह सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। तो वहाँ पर जब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ बच्चों के बैग के अंदर एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार ऐसे मिल रही थी चॉकलेट्स, तो सबसे ज़्यादा डेयरी मिल्क की थी, पता है। तो अब हम ऑब्वियस है, उसने छोटे बच्चों को भी टारगेट कर रखा है, बड़ों को भी टारगेट कर रखा है, और उससे ज़्यादा बड़ों की भी टारगेट कर, मीन्स ओल्ड एज को भी, ठीक है। प्रोसेस क्या होने वाली है पोजिशनिंग की? पोजिशनिंग की सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मार्केट को, मैंने कहा कि इन इस डेयरी मिल्क ने क्या कर रखा है, हर लेवल के बच्चों को क्या कर रखा है, टारगेट कर रखा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपनी मार्केट को टारगेट किया, और टारगेट किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि जो मेरे कंपटीटर है, जो चॉकलेट ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, उसके चॉकलेट में क्या है जो कि मेरी चॉकलेट में नहीं है, राइट। सो आपने पहले कंपटीटर को एनालिसिस किया। कंपटीटर को एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस चीज़ क्या है। अगर यूनिक है तो ऑब्वियस है आप स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करने के बाद उसको फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाई करने के बाद फिर क्या देखते हैं ना क्या कि वो सही ढंग से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करने पड़ेंगे, या एज इट इज हमारे पास ऑपरेट हो रहा है, राइट। तो उसे बोलते हैं मॉनिटरिंग। समझ पा रहे हैं लॉन्च योर पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी एंड मॉनिटर द कस्टमर रिस्पॉन्स टू एडजस्ट इफ द नीड। हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि हाँ देखो कि आपका प्रोडक्ट जिस हिसाब से, जिस सोच के साथ आप लोगों ने यूनिक प्रोडक्ट को डिजाइन किया था, क्या वही कस्टमर उसको परचेज कर रहे हैं? अगर नहीं तो उसके अंदर कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। समझ पा रहे? जैसे कि हम एप्पल का फ़ोन ले सकते हैं, BMW की कार का एग्जांपल ले सकते हैं। उन्होंने केवल लग्जरी पॉइंट को इन्होंने प्रेफरेंस किया, फोकस किया है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और लग्जरी पॉइंट को परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे इनकी, जैसे मैं एप्पल कहती हूँ तो सीधा सीधा फ़ोन ही कहते हैं ना कि बेस्ट फ़ोन आज के टाइम में क्या है,
राइट। अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कौन सा फ़ोन है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि आईफोन, राइट। ठीक है, अब बारे में बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है और क्या होती है पोजिशनिंग की। या तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो इमेज है वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिलता है, ठीक है। जैसे वॉल्वो की वॉच हो गई, अगर मैं कहूँ कि आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है पर क्वालिटी है ना वो बेस्ट है, रोलेक्स की वॉच हो गई है। दोनों वॉच ही है, वॉल्वो भी और आपकी रोलेक्स भी, बट डिपेंड करता है कि आपकी जो प्राइस है, प्राइस जो वॉल्वो नहीं है, वॉल्वो गाड़ी का नाम है, मैं भूल गई, जो वॉलमार्ट है उसके लो प्राइस होते हैं वॉच के, बट रोलेक्स क्या होती है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रखा है, इमेज क्रिएट करी होगी। बात की जाती है प्रोडक्ट की फीचर्स के ऊपर, जो वॉल्वो की गाड़ी है ना बेटे वो इतनी सेफ्टी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे मैंने देखा था कि जब वॉल्वो की गाड़ी नीचे है उसके ऊपर 10 गाड़ियाँ ऊपर है, उसके ऊपर ट्रक रखे हुए हैं, जैसे ट्रक होते हैं हैवी लोड के वो रखे हुए हैं, उसको कुछ नहीं बिगड़ता, पता है आपको। तो वॉल्वो ने पोजीशन बनाई हुई है कि अगर आपको सेफ रहना है तो आपको वॉल्वो की गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी, उसके अंदर बेस्ट मटेरियल यूज हुआ है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, अपने एक्सपेरिमेंट पब्लिकली क्या करती है, पब्लिश करती है कि लोगों को पता चले कि हमारी गाड़ी के अंदर ये फीचर है, राइट। अच्छा, पोजीशन बाय यूज एंड द एप्लीकेशन, ठीक है। गेटोरेड की अगर बात की जाए, एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं, ठीक है, एक एनर्जी लेने के लिए। सो इनको यूजेज के ऊपर बात की जाए कि इसको कब यूज करना चाहिए, राइट। जैसे मेडिसिंस होती है, प्रिस्क्राइब होती है कि आप इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। जैसे सन क्रीम होती है कि आपको यूज़ कब करनी है, जब आप धूप में बाहर निकल रहे हैं तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। कुछ क्रीम ऐसी होती है, फेस क्रीम ऐसी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं ये कहते हैं कि आपको केवल नाइट में ही यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कुछ क्रीम ऐसी होती है जो कि आपको केवल मॉर्निंग में यूज़ करनी पड़ती है, अब मैंने सन क्रीम का एग्जाम्पल लिया तो मुझे सन क्रीम का ही पता है, बाकी आप अपने एग्जाम्पल को सेट कर लेना जैसे भी आपको पास है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपके पास पोजीशनिंग बाय द यूजर्स। यूजर्स का मतलब क्या है कि आप अब एट प्रेजेंट मैं अगर बात करूँ, जो आपके जो 18 से लेकर 30 ईयर तक की जो एज होती है, वहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पता है आपको। आई होप आप भी उसी कैटेगरी में आते होंगे, है ना। तो आप अपने ड्रेस के ऊपर, आप अपने फुटवेयर के ऊपर, आप अपने वॉच के ऊपर, आप अपने मेकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने परफ्यूम के ऊपर भी। अब आपको मैं कहूँ बेला वीटा, माइंड में आ रहा है, राइट। आपको पता है इसकी जो परफ्यूम की जो बॉटल है वो कितने रुपए की आती है, पहले ऑफर से पहले, कभी कहो 26 सितंबर पे मैम हमने कम पे लिया, नहीं, ऑफर से पहले 599 की से स्टार्टिंग होती है और ये बढ़ती 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 उसकी जो फ्रेगनेंस है, ठीक है, परफ्यूम की, उनकी फ्रेगनेंस के हिसाब से उसके प्राइस सेट की गए, ठीक है, समझ पा रहे। तो जो यूज़र है उसके दिमाग में भी जो पोजीशनिंग की जाती है बाय द यूजर्स के, जैसे कि मैं कहूँ डव, राइट, बहुत सारी विमेन यूज करती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे फेस वॉश हो गया, ठीक है, हेयर फॉल के रिगार्डिंग हो गया, डैंड्रफ के रिकॉर्डिंग हो गया, पोजीशन बनती है डैंड्रफ है तो क्या यूज़ करना चाहिए, हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करना चाहिए, राइट। पोजीशनिंग बाय द कंपटीटर, कंपटीटर का मतलब क्या है, कई बार आप क्या करते हो, डायरेक्ट मार्केट में हिट कर देते हो कि हमारा प्रोडक्ट उधर वाली कंपनी से इसलिए यूनिक है, ठीक है, ठीक है। ये होता है पोजीशनिंग, पोजीशनिंग दैट मीन्स कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना कि हमारा प्रोडक्ट किस वजह से यूनिक है, कैसे हम अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है कि जब कंपनी को लगता है कि हाँ अब मुझे मेरे प्रोडक्ट की फीचर्स के अंदर चेंज करना होगा, अब मुझे लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो आकार है इसका वो चेंज करना होगा, मीन्स कि जो मार्केट में ऑलरेडी इमेज क्रिएट कर रखी है उसको दोबारा से रीसेट करना है, ड्यू टू क्योंकि आपको लग रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, अपडेशंस हो रही है, उनको आपने अपने प्रोडक्ट में एडजस्ट किया है, प्रोडक्ट में इंक्लूड किया इन सभी फीचर्स को, तो ऑब्वियसली बात है फीचर चेंज हुई है तो आपको पोजिशनिंग भी तो, फीचर एक्सप्लेन भी तो करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, विद द हेल्प ऑफ द मैगजीन, पोस्टर्स। तो वही बात है, जो इमेज है उसको तो रखना ही रखना है, साथ में एड ऑन करना है, तो उसे बोलते हैं रीपोजिशनिंग।
ठीक है, आपका चैप्टर हो गया फिनिश। प्रीवियस ईयर के अंदर आपके प्रोसेस ही आई है और इसके मेथड्स आए हैं, ठीक है। ये पूरे चैप्टर की समरी है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं एग्जाम में।